तो पूरे इंटरनेट पे आग ला के रखा है जे जे के ने, जहाँ पे उसके लेटेस्ट मांगा में हमने ये देखा कि गोजो फाइनली हार चुका है एंड वो मर चुका है, एंड सुकुना अभी भी अपने बेस्ट पोटेंशियल पे नहीं पहुँचा है। तो अगर गोजो वापस नहीं आने वाला है और वो ज़िंदा नहीं होने वाला है, तो ऐसा कौन है पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में जो कि गोजो को टक्कर दे सके या हराए? यस, सुकुना एक एंटागनिस्ट है एंड फाइनली एट द एंड ऑफ एनीमे उसे हारना पड़ेगा अगर ये अटैक ऑन टाइटन का वर्ल्ड नहीं है तो। अगर सुकुना बुरा है तो उसे किसी न किसी तरीके से हारना पड़ेगा, एंड वो ऐसा नहीं है कि वो कन्वर्ट होकर टाकनो जुजुत्सु को यूज करके वो किसी तरह अच्छा कर लिया जाए। उसे अगर हराना है तो उसे मारना ही पड़ेगा। बट पूरे चीजें कर्ल्ड में जो स्ट्रांगेस्ट बंदा था वो भी सुकुना से हार गया, तो ऐसा कौन है जो सुकुना को हरा सकता है? और अगर मैं स्ट्रांगेस्ट कैंडिडेट्स की बात करूं तो जो तो बंदा आपके मन में सबसे पहला आता है वो है यूटा। यस, यूटा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि हमने मूवी जीरो में भी उसके पावर्स के बहुत सारे ग्लिम्स देख रखे हैं, एंड डेफिनेटली हम उसे जे जे के वर्ल्ड में सेकेंड स्ट्रांगेस्ट बोल सकते हैं, मतलब मे बी वो सेकेंड स्ट्रांगेस्ट पे आ सकता है। बट फिर भी हमने जीरो में ये देख लिया था कि वो गोजो से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, एंड वो एक साल से सस्पेंडेड है और उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है। इट मींस कि वो अभी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा है और उसे ट्रेन करने के लिए कोई है भी नहीं, क्योंकि ओनली गोजो ही है जो उसे उसके पावर को अच्छे से यूज़ करना सिखा सकता था। बट जबकि गोजो जा चुका है तो उटा अपने फाइनल पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा है अभी तक, एंड जिस पावर लेवल पे वो अभी है और वो सुकुना के सामने एक बच्चा है, वो कभी सुकुना को इस स्टेट में और इस पावर में हरा ही नहीं सकते। एंड उसके अलावा अगर हम नॉर्मल चीज़ें की सॉर्सरर्स की बात करें तो आपके मन में शायद दो प्रिंसिपल्स आते होंगे, बट आई डोंट थिंक अगर वो गोजो के से कमज़ोर है तो सुकुना के सामने कभी टिक ही नहीं सकते। बट नाउ तो फाइनली जब वन ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट गोजो मर चुका है तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इतादोरी को अब टाइम मिलेगा गोजो के शैडो से बाहर आने में, और फाइनली उसे कुछ स्पॉटलाइट और कुछ चांसेस तो मिलेंगे शाइन करने के क्योंकि वो मेन प्रोटैगनिस्ट है। बट मेन प्रोटैगनिस्ट होने के बावजूद भी हम ये लगता रहा कि गोजो मेन है, जितनी भी स्टोरीज है वो गोजो के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही थी। बट गोजो के डेथ के बाद इतादोरी को कुछ टाइम मिलेगा कि वो खुद को इम्प्रूव कर सके, एंड मे बी वो मेन कैरेक्टर है तो वही होगा जो सुकुना को हराए या सुकुना को टक्कर दे। बट जितने पावर्स हैं अभी इतादोरी के पास वो डेफिनेटली नॉर्मल सोर्सर से ऊपर है, बट वो सुकुना को हराने के लायक अभी नहीं हुआ है। वो सुकुना के सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर है एंड सुकुना के लिए वो सिर्फ एक मजाक है। बट हम ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मेन प्रोटैगनिस्ट है और उसके साथ एक पावर आती है प्लॉट आर्मर की, एंड मे बी प्लॉट आर्मर के वजह से इतादोरी को कुछ ऐसी पावर्स मिल जाए जो कि सुकुना को वो हरा दे। बट ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बकवास हो जाएगी एंड ये बिल्कुल फिट नहीं करेगी, एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ ट्रेनिंग्स या कुछ स्पेशल पावर्स अवेकन होने के बाद मे बी इतादोरी सुकुना को हरा पाए। बट मुझे जो बेस्ट पॉसिबिलिटी लगती है वो किसी तरह इतादोरी अगर सुकुना को अपने बॉडी में लाने में कामयाब हुआ एंड उसे कंसील करने में कामयाब हुआ, एंड देन अगर उसे सुकुना को हराना है तो उसे सेल्फ सेक्रीफाइस करके खुद को मारना पड़ेगा। एक ये वही रास्ता है जिससे गोजो मर सकता है एंड फाइनली वो ख़त्म हो सकता है। बट अगर आप लोग बोलेंगे कि मेगुमी भी ऐसा कर सकता है तो मेगुमी को कभी सुकुना अपना कंट्रोल वापस लेने नहीं देगा, एंड मेगुमी की बॉडी कभी 20 फिंगर्स सुकुना के फुल पोटेंशियल एंड पावर्स को कंटेन नहीं कर पाएगी। तो सुकुना चाहेगा कि वो उसे मेगुमी से कुछ अच्छा वैसल मिले। यस, उसे मेगुमी पसंद है एंड उनका क्या चक्कर चल रहा है उसका मैं बात नहीं करना चाहता। यस, उसे पसंद है, बट फिर भी सुकुना भी ये जानता है कि मेगुमी की बॉडी 20 फिंगर्स फुल पावर को होल्ड नहीं कर सकती है, एंड पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इतादोरी है जो ऐसा कर सकता है। एंड अगर सुकुना इतादोरी के बॉडी में वापस आता है तो अगर इतादोरी खुद को मार लेता है तो मे बी सुकुना मर सकता है इतादोरी के साथ। एंड डेफिनेटली अभी कोई इतना पावरफुल नहीं है पूरे जेजे के वर्ल्ड में कि वो हेड टू हेड लड़ सके सुकुना के साथ। जो एक था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, एंड उसके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्राई करेंगे सुकुना को हराने की, बट वो कोशिश भी फेल होने वाली है। तो मैं आपके थॉट्स जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है अभी जेजे के वर्ल्ड में कौन है जो कि सुकुना को हरा सकते हैं, एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दें, एंड इस वीडियो को लाइक कर दें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर अमेजिंग एनिमे कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।